तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डीवीआर का सीमॉस बैटरी कैसे चेंज करते हैं। तो 8 चैनल का मेरे पास डीवीआर है डव्वा कंपनी का। तो इसका मॉडल नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका मॉडल नंबर है, इसमें 1 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है और हमें ज़्यादातर टाइमिंग डेट का इशू आ रहा था 8 चैनल के डीवीआर में। तो इसका मॉडल नंबर है DS-XVR4108HS। इसका मॉडल नंबर है। तो इसमें 1 TB का हार्ड डिस्क अभी लगा हुआ है। तो इसका सीमॉस बैटरी हम चेंज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं ले आया हूँ बैटरी होता है इसका चिमटे वाला, जो जनरली हम रेगुलर वाला लगाते हैं जो 3 वोल्ट का आता है। तो इस कहिए से हम इसको बैटरी को चेंज करेंगे, हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, इसको ओपन करते हैं सारे कनेक्टर्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज करते हैं इस वीडियो में। इस दोस्तों, तो इस डीवीआर में ऐसा था कि ये काफी ओल्ड वर्जन का डीवीआर था, इसलिए इसमें ये ओल्ड वर्जन वाला ही बैटरी लगा हुआ है सीमाउस। पहले दोस्तों हमें ध्यान देना हमें है दो कि चीजों का हमें ध्यान रखना है। कौन सा हमें कनेक्टर सारे निकालना कनेक्टर है और हैं, वापस किस कनेक्टर में वापस हमें रिटर्न लगाना होता है। तो हार्ड डिस्क का कनेक्टर होगा है और एक है वीजे की। तो दोस्तों, मैंने मदरबोर्ड अभी निकाल लिया है डीवीआर का। तो मैं अभी सोल्डर से इसे कैसे चेंज करता हूँ आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो पे, देखते रहिएगा। तो कहिया को हमें ज़्यादा हिट करना है ताकि आसानी से बैटरी निकल जाए। तो हम हिट करके देखिए, अभी बैटरी निकल गया है फाइनली मेरा बैटरी। ये देखिए, बैटरी निकल निकल गया। चुका है हमारा। नया बैटरी इंस्टॉलेशन हो गया है हमारा। 3 वोल्ट का बैटरी है। जनरली जो उस डीवीआर में हम लगाओ तो 12 वोल्ट का ऑटोमेटिक बन जाता है सीमॉस बैटरी। रेगुलर बैटरी हमें मिल जाएगा मार्केट में, 3 वोल्ट का बैटरी आता है, किसी भी शॉप पे मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, फिर हमने बैटरी तो चेंज कर लिया है। तो फिर हमें जाना है मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू के बाद पूछता है, ये मेन मेन्यू के जाना है, हमें पासवर्ड डालना है। इसका पासवर्ड है admin123। तो मैं पासवर्ड डाल दिया। फिर हमें वापस जाना है टाइमिंग डेट की सेटिंग में। तो सिस्टम में इसका सेटिंग मिलेगा आपको। सिस्टम में जाने के बाद जनरल में जाना है, जनरल के बाद टाइमिंग में जाना है। तो इस टाइमिंग में देखिएगा, हमें 5:30 करना है इंडिया का। और इसका जो टाइमिंग चल रहा है हमारा, अभी 10:23 हो गए हैं, 22:00। तो ये टाइम हमने डाल दिया 2024। एक 31 आज की डेट है। तो अप्लाई करके हमें सेव करना है सबसे पहले। तो देखिए, टाइमिंग डेट राइट टाइम आ चुका है सिस्टम में। तो फिर हमें एक और बार डिवाइस को रिबूट कर लेना है और सबसे पहले चेक करना है हमें हमारा डीवीआर ऑनलाइन है क्या। हमारा एक्सप्रेस भी ऑनलाइन आ गया है। तो हमें एक बार हमें इसे रिबूट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा टाइमिंग डेट राइट टाइम हो गया है, हमारा डीवीआर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, टाइमिंग डेट का इशू।